रामानंद सागर की रामायण के हर एक एक्टर ने लोगों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी है। सभी स्टार्स ने अपने अपने किरदार को पूरी शिद्दत के साथ निभाया। जब भी भगवान राम, लक्ष्मण और सीता का जिक्र होता है तो एक्टर्स के चेहरे आंखों के सामने आ ही जाते हैं। ऐसा ही किरदार निभाया था दारा सिंह ने। दारा सिंह टीवी की रामायण में हनुमान बने थे। आइए आपको बताते हैं कि रामानंद सागर ने कैसे दारा सिंह को इस रोल के लिए कास्ट किया। रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर के मुताबिक पिता जब रामायण की कास्टिंग कर रहे थे तो हनुमान के रोल के लिए उनके दिमाग में एक ही नाम था और वो था दारा सिंह। पापा ने दारा सिंह को फोन किया और कहा, दारा आप मेरे नए टीवी सीरियल में हनुमान का रोल कर रहे हैं। खबरें हैं कि इस पर दारा सिंह थोड़े हिचके। दारा सिंह ने रामानंद सागर से कहा था, मैं अब करीब 60 साल का हो गया हूँ, किसी यंग एक्टर को कास्ट कीजिए। इस पर रामानंद सागर ने कहा, आप हनुमान हो, आप बेस्ट हो। बस फिर क्या था, दारा सिंह उनकी बात टाल नहीं सके, बाकी तो हिस्ट्री बन गई। हाल ही में दारा सिंह के बेटे विंदु दारा सिंह ने एक इंटरव्यू में अपने पिता की आखिरी इच्छा बताई थी। खबर के मुताबिक विंदु दारा सिंह ने बताया कि उनके पिता की आखिरी इच्छा रामायण को फिर से देखने की थी। बता दें कि दारा सिंह 3 बार हनुमान का रोल निभा चुके हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।